पाठक, सभी लोगों को नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम लोग आज का जो सब्जेक्ट है आमवाद और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस पर हम बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और इसको टाइम लगेगा, एक दिन में ये विषय होने वाला नहीं है। तो हम लोगों को ना आमवाद को पूरी तरह से देखना है और उसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस जब हो जाता है तो क्या सिम्टम्स रहते हैं, किस तरह से सिम्टम्स रहते हैं, इसका कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करने वाले हैं। पहले आमवात जो व्याधि है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आमवात जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें दो शब्द मिले हैं, आम और वात, जहां पर हमारे शरीर में अग्नि अग्नि जो है, जठराग्नि जो है, वह वीक हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाती है। तो भी जो भी खाया पिया है वह पचता नहीं है और उसके वजह से शरीर में आम उत्पत्ति होती है, एक तरह का एक जहर तैयार होता है जिसको आम बोलते हैं। और उसकी उसकी व्युत्पत्ति कैसे बताई है शास्त्रकारों ने, आप लोगों को मालूम है कि उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम पाचितम, मतलब जब उष्मा अल्प बल का रहता है, मतलब जठराग्नि जीरो नहीं है, अल्प बल की है, और जो पहला आहार रस बन रहा है वह अल्प बहुत ज्यादा जो विकृत रूप से आहार रस बन रहा है, धातु माध्यम अपाचितम, अपाचित जो आहार रस बन रहा है यह आम है। तो यह जो आम है यह क्या करता है कि पहले तो ये अगर रसव स्रोतस को पूरी तरह से अवरोध कर देगा, रसव स्रोतस को अवरोध कर देगा, स्वेदव स्रोतस को अवरोध कर देगा, तो ज्वर व्याधि हो जाता है, आप लोगों को पता है। और अगर ज्वर आया है, और अभी क्योंकि अभी का सीजन ऐसा है, कोरोना का टाइम है, तो अगर ज्वर को सप्रेस करने के लिए एलोपैथी के जो क्रोसिन खा लिया, पैरासिटामोल खा लिया, तो उससे क्या होगा, स्वेदव स्रोतस तो खुल जाएगा, पसीना आएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन जो रसव स्रोतस है वह तो अवरुद्ध का अवरुद्ध ही रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा कि वह संचित होते रहेगा, थोड़ा सा अग्नि बढ़ेगा तो पेशेंट को अच्छा रहेगा, लेकिन वह ज्वर फिर से आएगा, फिर से क्रोसिन पैरासिटामोल जैसी दवाइयां खाएंगी खाएंगे, एंटीपायरेटिक ड्रग्स खाया जाएगा, फिर से वह आम संचिति होते रहता है, होते रहता है। और फिर वह क्या करता है, क्योंकि आमवत व्याधि और ज्वर व्याधि दोनों रसव स्रोतस की दुष्टि के वजह से ही होते हैं, लेकिन ज्वर में ऐसा होता है कि स्वेदव स्रोतस भी इन्वॉल्व हो जाता है, वह भी अवरुद्ध हो जाता है। और आमवत में आगे संप्राप्ति आगे बढ़ती है, क्रॉनिक स्टेज में फिर जितने भी संधियां हैं अपने ज्वाइंट्स की, वहां पर वो जाता है, और खासकर बड़े बड़े संधियां जो हैं, जहां पर आहार रस से तर्पण हो रहा होता है, रस धातु से तर्पण हो रहा होता है, वहां पर वो जाके श्लेष्मक कफ को निकाल देता है, क्योंकि श्लेष्मक कफ और आम इनका समान गुणधर्म है, पिच्छिलता है, तो जहां पिच्छिलता रहेगी वहीं पर जाके आम बैठ जाएगा और श्लेष्मक कफ को वहां से निकाल देगा, और वहां से कुछ ना ऐसे शोथ होने लगेगा, आम और श्लेष्मक कफ ये दोनों मिलके वहां पे पिच्छिलता उत्पन्न करेंगे और वह जाके और संचित होते जाता है। और इस तरह से ये जो, और इसको ले जाने वाला कौन है, तो वायु है, जो आम युक्त वायु है जिसको हम लोग साम वायु बोलते हैं, साम वायु ही जाके आमवात को उत्पन्न कर रहा है। अब इसमें एक शैतान बच्चा भी है और एक खराब प्राणी भी है, ऐसे कल्पना करिए कि एक ना गधा है और एक शैतान बच्चा है, दोनों जाके और शैतानी कर रहे हैं, गधा भी शैतानी कर रहा है, ढेंचू ढेंचू कर रहा है, वो डोंकी है, तो डोंकी कौन है, तो आम है, और शैतान बच्चा शैतानी कर रहा है तो वो कौन है, वायु है, दो लोग इसमें इन्वॉल्व है। मैं आप लोगों को ऐसे इसीलिए मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि गधा भी है, गधा जैसे रहता है उसको खुद को अक्कल नहीं रहती है, उसको लात मारो तभी वो आगे चलता है, एकदम सीधा साधा रहता है, ऐसे आम भी है वो बहुत ही पिच्छिल है, उसको खुद का कुछ वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है, जब आम को जठराग्नि पचाएगी तभी उसका काम होगा। तो गधा की तरह आम रहता है, बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से मतिमंद और कम बुद्धि वाला रहता है, और हम लोग गधा असली में बहुत इंटेलिजेंट होगा, लेकिन हम लोग लोक भाषा में गधे को कैसे बोलते हैं कि गधा है, मतलब उसको खुद की बुद्धि नहीं है, उसको लात मारो या कुछ भी करो वो वैसे का वैसे ही रहता है, वो इतना मतलब रिएक्ट नहीं करता, रेस्पॉन्स नहीं करता है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, तो ऐसा वो गधा नहीं करता है, गधे को लात मारो या कुछ करो वो अपने बहुत स्वामी भक्त रहता है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत प्यारा रहता है। इसी तरह से आम भी है ना, वो एकदम बहुत ही सीधा साधा रहता है, उसको अग्नि ने पचाया नहीं तो वो जाके और वहां जाके श्लेष्मक कफ के पास जाके विकृति उत्पन्न करेगा, लेकिन शैतान बच्चा जो है वही गधे को लेके जा रहा है, वह जानबूझ के उपद्रव पैदा करना चाहता है। तो ये जो वायु है यही है गधे को ले जाने वाला, शैतान बच्चा आम, ये वायु वायु जो है वही शैतान बच्चा है। अब इसमें आम अवात व्याधि में दो चीजें, आम और वायु,
ये दो चीज है, इससे ये बनता है। अब इसका हेतु हम लोग अगर देखेंगे आम वातव्यादि में, मैं अभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी पढ़ाऊंगा लेकिन आज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वो कल पढ़ाऊंगा। मैं पहले आमवाद का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को घुसा घुसा के समझाना चाहता हूँ, ताकि ब्रेन में घुस जाए और आपके पास जब भी पेशेंट आए तो आप लोगों को आमवाद को कैसे देखना है। सबसे पहले हेतु समझना बहुत जरूरी है। अगर हेतु समझ आएगा तभी आपको समझ आएगा कि आमवाद व्याधि ऐसे हुई है, तभी आपको संप्राप्ति अच्छे से समझ आएगी। हमारे पास पेशेंट आते हैं वो RA फैक्टर पॉजिटिव है ये लेके आ जाते हैं और ज्वाइंट्स में पेन है, तो हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में आने लगता है इसको महायोगराज गूगल देंगे, इसको त्रयोदशा गूगल देंगे, सिंहनाथ गूगल देंगे। ऐसा नहीं है, पहले हेतु निकलना बहुत जरूरी है। तो हेतु क्या है, तो पहले हो सकता है कि उसको ज्वर व्याधि हुआ है बहुत साल पहले, और ज्वर हो के वो आगे बढ़ते 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 आमवात में आ गया। ऐसे ही जो ऑटोइम्यून डिजीजेस रहती हैं वह ज्वर व्याधि को सप्रेस किया जाता है, लेकिन जैसे आमवात में संधियों में चला जाता है, या आम और वायु जाके संधियों को डैमेज कर रहा है, इसी तरह से अगर मज्जा तक उसका गामित्व है, आम का वायु का, और मज्जा में वो ज्वर भी चला गया है, तो फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फिर डीमेलिनेटिंग डिजीज, फिर माइस्थीनिया ग्रेवियस, फिर पार्किंसन डिजीज, वह मज्जा धातुओं पे जाके और वहां पे डैमेज कर रहे हैं, यहाँ पर संधि तक है, इसलिए हम इसको आमवत बोलते हैं। मतलब कि नदी का पानी है वो बाढ़ के वजह से जहां जहां जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, अलग अलग स्थान संचय कर रहे हैं, अलग अलग व्याधियां कर रहे हैं। तो इसी को हम पहले केवल संधि को कंसंट्रेट करते हैं और आमवात व्याधि इसको हम लोग समझेंगे। आप लोगों को भी ये इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मजा आएगा। जब पेशेंट आप लोग देखते हैं ना, तो आमवात को पूरी तरह से डायग्नोस करते आना चाहिए, हेतु निकलना चाहिए। अब अपने माधव निदान में इतना बढ़िया से बताया है कि विरुद्ध आहार चेष्टस्य, विरुद्ध अन्न का सेवन करना, सबसे पहला शब्द है विरुद्ध अन्न। अब जो लोग दूध और मछली, दूध और नमक, दूध और अल्कोहल, इनका सेवन करते हैं, विरुद्ध अन्न का सेवन करते हैं, या फिर विरुद्ध अन्न केवल यही नहीं है, दूध वाला ही चीज नहीं है, चाय पी लिया उसके बाद में आइसक्रीम खा लिया, आइसक्रीम खा लिया फिर बिस्किट खा लिया, फिर उसके बाद में ये खा लिया, फिर वो खा लिया, जो कचरा चीज एक साथ खाया जाता है, बहुत सारे चीज होते हैं। अब विरुद्ध अन्न में चाय पराठा भी है, जब तक साथ में अग्नि अच्छा है तब तक ठीक है, लेकिन चाय पराठा कंटिन्यू लोग खा रहे हैं और हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वह भी विरुद्ध है, क्योंकि तो चाय में दूध रहता है और दूध और नमक, पराठा में थोड़ा सा नमक डाल देता है, यह भी विरुद्ध है। तो चाय पराठा भी बहुत सारे पेशेंट में हमें पाया जाता है कि आमवात का ये कारण है। दूसरा, वेगों का अवरोध करना, वेगों का अवरोध, मल मूत्र, छींक, उल्टी, प्यास, जो भी है, सारे वेगों का अवरोध किया जा रहा है। मतलब पॉटी आई है लेकिन जा नहीं रहे, उसको दबा के रख रहे हैं, यूरिन का प्रेशर आ रहा है लेकिन जा नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि वायु जो है, अपान वायु जो है, वह विगुणित हो जाती है। विगुणित मतलब उल्टे डायरेक्शन में जाने लगती है और वह मल को सुखाने लगती है, और जो विकृत मल है, जो मल को वेस्ट निकलना चाहिए, वह विकृत मल फिर से रक्त में जाता है और मिसेंट्रिक आर्टरी से पोर्टल वेन में जाके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है। बॉडी ने इतने मेहनत से सब कचरा बनाया है, मल को एक्सपेल करने के लिए बनाया है, वह नहीं निकला है और ये वेगों का अवरोध किया है, तो वो मल, मल रूपी वायु भी है, मल रूपी मल भी है, स्थूल मल है, और पुरुष भी है, मतलब मूत्र भी है, ये सब जाके ब्लड में जाके पूरे बॉडी में फैल जा रहा है। तो ये आमवात में यह मल, मल भी है, आम भी है, वायु भी है, जो विकृत रूप का है, ये सारे जाके ज्वाइंट्स में जाके बैठ जाते हैं। तो वेगावरोध करना, उसी तरह से बता रहे हैं कि अचेष्टस्य, व्यायाम न करना। आजकल ऐसे ही हो रहा है कि लॉकडाउन का पीरियड जब शुरू हो जाता है ना, तो लोग ना घूमना फिरना, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह बंद कर देते हैं, घर पे बैठे रहो, और मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है, उसकी वजह से क्या होता है कि भूख ही नहीं लगती है, टाइम हो गया है लेकिन भूख नहीं लग रही है, और जबरदस्ती खाया जा रहा है, जबरदस्ती खाया जा रहा है, क्योंकि टाइम हो गया है और माइंड में ये भरा रहता है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगा, चक्कर आने लगेगा, वीकनेस आ जाएगा, इसलिए बिना भूख के भी खाओ और चटपटा चीज बहुत ज्यादा खाओ, ये सब क्या होता है, अग्नि को मंद करता है। फिर उसी तरह से बोल रहे हैं मंदाग्नि निश्चल सेवा, अग्नि मंद होने से और चल गुण बढ़ने की वजह से, वायु का चल गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं, और अति स्निग्ध आहार का सेवन करें, ऐसे बोल रहे हैं स्निग्धम भुक्तवतो यन्नम, जो लोग बहुत ज्यादा स्निग्ध पदार्थ खा रहे हैं, जैसे कि पिज्जा खा रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसमें बहुत ज्यादा बटर लगाया हुआ है, वो खा रहे हैं, फिर बहुत सारा तेल वाला डीप फ्राइड चीजें खा रहे हैं, जो अग्नि जो है उसको उपहत कर रहे हैं, स्निग्ध पदार्थ खा रहे हैं। स्निग्ध का पदार्थ का बहुत सारा इसमें व्यापक अर्थ हो सकता है, कि तेल वाले चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं,
फिर जो जंक फूड आ रहा है, डब्बा बंद जो खाने आ रहे, वह भी स्निग्ध गुण बढ़ता है, विकृत स्निग्धता रहती है, वह नॉर्मल रहती है। जैसे गाय का घी का स्निग्धता है वैसा नहीं है, जो वनस्पति घी में बनाया जाता है, भैंस के घी में बनाया जाता है, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं वह भी बहुत ज़्यादा स्निग्ध रहती है, और वो बासी खाने में आता है, मिठाइयाँ फ्रेश नहीं रहती है कभी भी। फ्रेश खाया जाए, अग्नि के हिसाब से खाया जाए तो ठीक है, तर्पण करेंगे, लेकिन बहुत पुराना पुराना मिठाई जो मिठाई की दुकानों में है, यह भी स्निग्ध पदार्थ में आ रहा है और अग्नि को उत्पन्न करता है अगर ज्यादा मात्रा में खाया जाए। इसी तरह से व्यायामक पूर्वस्थता, मतलब ये स्निग्ध पदार्थ करके खा के और जिम में जाके बहुत ज्यादा बॉडी बनाना है, एक्सरसाइज करना है, तो स्निग्ध पदार्थ का सेवन किया, अग्नि को उत्पन्न किया, और फिर दोष जो है वो शाखा से, सॉरी कोष्ठ से शाखा तक चले जाते हैं। ये हेतु बताया है, अति व्यायाम करना, खाना खा के स्निग्ध पदार्थ करके तुरंत खाना खाना, ये हमारे ग्रंथकार बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। ऐसे ही हमारे पास पेशेंट आते हैं, अब आपके पास जब भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट आए, रूमेटिक हार्ट डिजीज के पेशेंट आए, तो आप उनसे ये हिस्ट्री जरूर लीजिए कि वो जिम कितने बार जाते हैं, कितना देर तक जिम करते हैं, और क्या खाना खा के फिर जिम को जाते हैं। तो सारे पेशेंट में ऐसा मिलता है कि वो लोगों ने पिज्ज़ा खाया, बर्गर खाया, बेकरी आइटम्स खाए, और बहुत सारे बटर खाया, बहुत सारे तेल पकौड़े वगैरह खाए, हाई प्रोटीन डाइट ऐसा समझ के खाया, और उसके बाद में उन्होंने एक्सरसाइज किया, जिम में जाके एक्सरसाइज किया, पसीना तो निकाला लेकिन अग्नि मंद हो गया उनका। ये हेतु सालों साल चलते रहता है, बहुत साल हो जाते हैं और अग्नि मंद हो के ये बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, जब तक बॉडी टॉलरेट, यंग है वो तब तक बॉडी टॉलरेट करती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रही है, तब ये आमवाद की संप्राप्ति धीरे धीरे स्थान संशय करने लगती है, और धीरे धीरे ये व्याधि बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, और फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि सारे जो बड़ी बड़ी संधियां हैं वहां जाकर शोथ होने लगता है, शूल होने लगता है, और वृश्चिक दंशवत वेदना, मतलब जिस तरह से बिच्छू काट रहा है उस टाइम पे वेदना होती है, और ये कब होता है उसका भी टाइम निर्धारित है। जब रात का टाइम रहता है तब बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, जब सुबह का टाइम रहता है, मतलब कफ का टाइम, 6 से 10 बजे का टाइम, उस टाइम पे वेदना बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह से जब बादल छाते हैं तब ये आमवाद का पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसी तरह से जब ठंडी आती है तब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें आप दीपन, पाचन, लंघन ये सब कराते रहिए तब भी ये आमवाद का पेन एग्रेवेट होता है। एक हमारे संभाषा में आते हैं, अलवर के डॉक्टर मुकेश साहू जी, उनके एक पेशेंट है जिनका नाम है सुगन चौधरी, तो वो मैम को आमवाद है। अभी बारिश इतना वहां पे हुआ है, अलवर में, राजस्थान में हुआ है, मैं उनको दवाइयां दे रहा हूँ, आम वातारी रस दे रहा हूँ, सिंहनाद गुगुल दे रहा हूँ, त्रयोदशांग गुगुल दे रहा हूँ, सारी में दवाइयां दे रहा हूँ, दीपन, पाचन, लंघन भी करा रही है, तब भी उनका पेन बढ़ रहा है, क्योंकि ये व्याधि का स्वभाव है कि बारिश में या फिर ठंडी हवा चलती है तो हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में ये व्याधि बढ़ ही जाता है। जब तक आम रहे, भले वो 5% रहे आम, या 10% रहे, या 95% रहे, 100% रहे, लेकिन वो आम का, ये आमवाद का व्याधि का लक्षण है, उसको थोड़ा भी ठंडी हवा लगेगी, ठंडा सामान्य से सामान्य की वृद्धि, मतलब ठंडी हवा बाहर लग रही है उसका इफेक्ट आमवाद के ज्वाइंट्स में लगेगा, संपर्क आएगा तो वो पेन एग्रेवेट होगा, क्योंकि अंदर भी तो वायु है, बाहर की वायु और अंदर की वायु, ये टेम्परेचर जब ठंडा रहेगा तो अंदर की वायु प्रकुपित होने लगेगी, मतलब जैसे कि शैतान बच्चे, शैतान बच्चों का कोई ग्रुप को आपने एक जगह बंद रखा है और उनके साथ और शैतान बच्चे आ गए, वो सारे शैतान बच्चे आके और उपद्रव करेंगे, इतना शोर करेंगे, धिंगाना करेंगे, मस्ती करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। इसी तरह से जब ठंडी हवा लग जाती है इस आमवाद के पेशेंट में तो वह शैतानी और बढ़ जाता है और आमवाद में और पेन बढ़ जाता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इसके बाद में आमवाद जो रहता है वह इधर इधर तक ही है, ऐसा नहीं होता है, ये व्याधि और बढ़ती जाती है, तो फिर क्या होता है, लॉक होने लगता है, मतलब मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो मूवमेंट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। इसी तरह से और आगे व्याधि बढ़ती है, शैतान बच्चों का शैतानी और गधा, आम मतलब गधा, ये गधे और शैतान बच्चे ये सब साथ मिलके बहुत सारे उपद्रव कर रहे हैं, आम जो है वो ढिंचू ढिंचू कर रहे हैं, क्योंकि उसको वायु प्रेशर कर रहा है, प्रेशर कर रहे हैं, तो उसको तकलीफ देगा तो चिल्लाएगा ही, तो दोनों का ये आम और बात, अब ये संप्राप्ति आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, तो हृदय जो है, रस्व स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है, हृदय है, तो वहां जाके रूमेटिक हार्ट डिजीज, मतलब वहां के जो वॉल्स हैं वो डैमेज करने लगता है, वेंट्रिकल्स को डैमेज करने लगता है, ऑरिकल्स को डैमेज करने लगता है, और हार्ट का जो पंपिंग है वो विकृत होने लगता है, हार्ट पूरी तरह से पैथोलॉजिकली एकदम विकृत होने लगता है। इसी तरह से फिर ये आमवत और आगे बढ़ता है,
हृदय को खराब कर रहा है, फिर दूसरे ज्वाइंट्स को खराब कर दिया है, उसके बाद में मस्तिष्क में भी चला जाता है, फिर उसके बाद में सारे स्रोतों को ब्लॉक करता है। और अगर इसका चिकित्सा नहीं किया गया तो फिर इंसान की मृत्यु हो जाती है। एक यहाँ हमारे हमारे एरिया में एक आंटी थी, उनको ज्वाइंट पेन था, उनको ये आम बात बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो आर ए फैक्टर है ना इतना ज़्यादा बढ़ गया था, तो उनको पूरी तरह से सांस फूलता था, खाया पिया तो पछता नहीं था, लेकिन डॉक्टर्स बोलते थे कि हाई प्रोटीन डाइट करना है, ऐसे इतना ज़्यादा खा खा के, और तब भी उनको सांस फूलते 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 एक दिन हार्ट बंद हो गया और उनकी डेथ हो गई। मतलब ये आम बात जो है वो मृत्यु तक भी लेके जा सकता है अगर चिकित्सा नहीं किया गया तो। और एलोपैथी साइंस में इसका इलाज नहीं है, वह आम बात के लिए केवल स्टेरॉइड देंगे, पेशेंट स्टेरॉइड डिपेंडेंट रहेंगे, या पेन किलर, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो है, जितने भी एनल्जेसिक दवाइयां हैं एलोपैथी की, वही दिया जाता है, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आती हैं बहुत सारी, वो दिया जाता है, लेकिन इसका क्योर है ही नहीं। एलोपैथी साइंस फिर क्या बोल देता है कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, या जेनेटिक फैक्टर्स है, या हेरिडेटरी है, लेकिन ये इसका क्योर नहीं है। क्यों क्यों ऐसा बोल देते हैं? क्योंकि एलोपैथी साइंस अग्नि का कॉन्सेप्ट नहीं मानता है, अपनी जठराग्नि, धात्वाग्नि, भूताग्नि, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं मानता है, तो उनके साइंस में ये है ही नहीं कि आम आम क्या बनता है और वात क्या होता है, ये साइंस में है ही नहीं, तो वो लोग बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं है। जब पेशेंट हमारे पास आयुर्वेद के पास आता है, तो हम लोग सबसे पहले पेशेंट को लंघन कराते हैं, दीपन पाचन दवाइयां देते हैं, और जो सिम्टम्स के हिसाब से, क्योंकि आम है वो पिच्छिल गुण से बड़ा है, वायु जो है वो रुक्ष गुण से बड़ा है, चल गुण से बड़ा है, तो हम लोग मतलब लंघन कराते हैं, रुक्ष स्वेद, वालुका स्वेद कराते हैं, दीपन पाचन दवाइयां देते हैं, पेशेंट को लंघन कराते हैं, वायु की चिकित्सा करते हैं, पूरा आम को, आमावस्था को निरामावस्था में लाते हैं, और उसके बाद में हम बस्ती देते हैं, तो जितना भी डिजनरेटिव चेंजेस आए ज्वाइंट्स में उसको हम रिकवर करके आम आबाद के पेशेंट को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाता है। ये आयुर्वेद है, अगर आयुर्वेद के हिसाब से हम लोगों ने समझा इसको तो हम लोग ठीक करते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या है? रूमेटिक हार्ट डिजीज भी ठीक हो जाता है, लेकिन उसमें वॉल्स का डैमेज हुआ है या डिफॉर्मिटीज, ये आम आबाद और बढ़ता है तो हाथ पैर उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कुछ तो अपंगता आ जाती है, और कभी कभी तो हैंडीकैप जैसे कंडीशन आ जाती है। मैंने अपने जमदग्नि सर के पास एक पेशेंट देखी थी जिसको ना पैर का जो अंगूठा है, ग्रेटर टो है, वहां से पेन शुरू हुआ तो उसको मालूम नहीं था, और स्ट्रेस में रहती थी। यह पित्त धरा कला साहेब मज्जा धरा कला, मतलब पित्त धरा कला ही मज्जा धरा कला है। जितना शोक रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, तो अग्नि पे वो उपहत करता है, क्योंकि मज्जा धरा कला और पित्त धरा कला इसका कनेक्शन है। ये सुश्रुताचार्य जी ने बताया, जितना स्ट्रेस लेंगे अग्नि उतना मंद रहेगा, रात को नींद नहीं आएगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, वह अग्नि को उपहत करता है। तो वह बच्ची को ऐसे ही हुआ कि उसको मतलब ग्रेटर टो में शुरू हुआ, फिर वो हमारे सर के पास गई तो सर ने दवाइयां दिया, लेकिन वो डायग्नोस नहीं हुआ, मिस डायग्नोस हुआ, तो फिर डॉक्टर्स ने ऐसा क्वेश्चन मार्क करके कहा कि इसका ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन्स है, ऐसा क्वेश्चन मार्क था। दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने टीबी का इलाज शुरू कर दिया, और अग्नि उपहत ही हो रहा था, उससे डॉक्टर्स ने कहा कि तुमको बोन टीबी हो गया है, क्वेश्चन मार्क से फैल गया ऐसे कि टीबी का ही दवाई देना है, बाकी और किसी ने कुछ टेस्ट ही नहीं किया, टीबी का दवाई चलने लगा, और बोला बेड रेस्ट करो नहीं तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अव्यायाम जो बोला है वह सब होने लगा, और उसको फिर फिजियोथेरेपिस्ट आ गए, छे छे पेन किलर खाने लगी, और फिर स्टेरॉयड खाने लगी, धीरे धीरे वो व्याधि बढ़ते 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 पूरे बॉडी में फैल गया वो व्याधि, क्योंकि किसी ने भी आम का पचन नहीं किया। ऐसे करते करते वो इतना ज्यादा बढ़ गई कि उसके हर ज्वाइंट से पेन होने लगा, फिर डॉक्टर्स हार गए, उन्होंने कहा कि इसका इलाज नहीं है, ऑटोइम्यून डिजीज है। फिर वो हमारे सर के पास गई तो सर ने उसको लंघन वगैरह किया, लेकिन वो इतना ज्यादा अति लंघन होने लगा, और सर के पास टाइम नहीं था क्योंकि इतने सारा पेशेंट आते हैं, तो वो व्याधि और बढ़ते गया, व्याधि का स्वरूप और बढ़ते गया। तो ऐसे मैंने पेशेंट देखे हैं, ट्रीटमेंट पार्ट में बाद में बताऊंगा। अब इसी तरह से संप्राप्ति देखते हैं, आम आबाद की संप्राप्ति, क्योंकि हमें ग्रंथ को भी पढ़ना है और व्याधि को समझना भी है प्रैक्टिकली कि कैसे पेशेंट आते हैं। अगर आप लोगों को कोई बात मेरी समझ नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, या मेरी बात आपको नहीं हो रही है एब्जॉर्ब, कि ये डाइजेस्ट नहीं हो रही, कि गलत है, उसको भी आप लिखे, मैं उसको सॉल्व करूंगा।
या फिर कोई चीज समझ नहीं आ रही सब बताइए। अब संप्राप्ति में इतना बढ़िया माधव निदान में बताया है आमवाद की संप्राप्ति, इसमें बोल रहे हैं कि वायु ना प्रेरितो या महा श्लेष्म स्थानम प्रधावती। वायु जो है शैतान बच्चा, आम मतलब एक गधा है, उसको लेके जाता है श्लेष्म स्थान में प्रधावती, वह उसको गधे को लेके जाके श्लेष्म स्थान में बिठा दे रहा है और जोर जोर से भगा भगा के लेके जा रहे हैं। तेनात्यर्थम विदग्धोऽसौ दमनी प्रतिपद्यते। फिर ये क्या होता है कि विदग्ध, ये विदग्ध अवस्था और प्राप्त होती है, आमावस्था और प्राप्त होती है, और सारे धमनियों में जाके वायु जो है गधे को लेके, गधा मतलब आम और वायु मतलब शैतान बच्चा, ये शैतान बच्चा गधे को लेके जाके, और क्योंकि वो जो गधा है उसको समझ नहीं रहे जहां उसको लेके जाएंगे वो चला जाएगा, वो क्योंकि सीधा बच्चा है मतलब वो गधा है, वो गधा जो जानवर होता है वैसा है, तो ये शैतान बच्चे उसको लेके जा रहे, चल 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 हम उपद्रव करेंगे, हम शैतानी करेंगे, गधे को लेके जा रहे और गधा भी चलते जा रहे हैं। तो यह धमनियों के साथ जाके और सभी जगह फैल जाता है। उसके बाद में क्या हो रहा है, इसके साथ में वात पित्त कफेर भुवो दूषित स्व अन्नजो रस। वात पित्त कफ, ये तीन जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक दोष है यह भी दूषित हुए हैं। यहाँ पे वायु जो है चल गुण से बढ़ा है, पित्त जो है वो द्रव गुण से बढ़ा है, कफ जो है वो स्निग्ध गुण से बढ़ा है। जो नॉर्मल बच्चे हैं वह भी शैतान बच्चे की संगति में आके वह भी बिगड़ गए। शैतान बच्चा वायु तो है ही लेकिन पित्त और कफ है वह भी बिगड़ गए, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो लोग, बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो वो जाके वो भी हो रहे हैं। और ये जो अन्न रस है उसके साथ मिलके स्त्रोतसाम अभिष्यन्दन्ती नाना वर्णोति पिच्छलम, स्त्रोतसों में ब्लॉकेज कर रहे हैं। अब शैतान बच्चा है, उसके दो बेस्ट फ्रेंड आ गए पित्त और कफ आ गए, और उसके बाद में गधा भी है, ये सब जाके क्या करें तोड़ फोड़, और जाके कहीं पर वो इसको बैठा रहे कि तू तोड़ फोड़ कर, किसी को उधर बैठा रहे कि तू तोड़ फोड़ कर, मैं खुद भी तोड़ फोड़ करूंगा। ये संप्राप्ति इतना डैमेजिंग है, मतलब वो नष्ट कर रहे जो भी सिस्टम चल रहा है उस सबको नष्ट कर रहे। और जनित्याशु दौर्बल्यम गौरवम हृदय, इसमें दुर्बलता आने लगती है क्योंकि अच्छा आहार रस नहीं बन रहा है तो बॉडी में वीकनेस आने लगेगी, सारे रास्ते ब्लॉकेजेस होने लगेंगे। आप ऐसे कल्पना करिए कि पाकिस्तान के जैशे मोहम्मद के सारे आतंकवादी आ गए, फिर लश्करे तैयबा के सारे आतंकवादी आ गए, इंडिया ने रास्ता बंद कर खोल दिया सभी के लिए कि आओ आओ सब लोग आओ, सारे आतंकवादी आ गए तो वो लोग सारे सिटी को डैमेज करेंगे, वैसे अपने शरीर के जितने अवयव हैं सभी को वो डैमेज करने लगता है। इसीलिए क्या होता है कि फिर नॉर्मल काम नहीं होगा तो दुर्बलता आएगा, गुरुता आएगा, पूरे बॉडी में ऐसा लगेगा हैवीनेस आ गया, खासकर हृदय में दुर्बलता होती है क्योंकि ये रस्व स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है, तो रस्व स्त्रोतस का मूल स्थान हृदय है। तो जैसे कि दिल्ली में जाके कब्जा कर लिया पूरा लश्कर तैयबा, शैतान बच्चे, गधा, ये सब जाके दिल्ली में जो मेन है जहां से पूरा कंट्रोल होता है डिफेंस का, वहां पर जाके हो गया, तो हृदय भी हमारा मेन है, वहां पे रस्व स्त्रोतस का मूल है, वहां पे ही जाता है तो हृदय पंपिंग नहीं कर पाता, इसलिए हृदय में गुरुता होने लगती है। फिर उसी तरह से बता रहे हैं व्याधि नामाश्रय हेशा आम संज्ञोति दारुणा। अब इस व्याधि को क्योंकि ये जाके स्थान संचय कर रहा है, हृदय में भी कर रहे हैं, संधियों में कर रहे हैं, जहां पर श्लेषा कफ है वहां जाके वहां पे बहुत ज्यादा ब्लॉकेज कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे, जो अपने इंडियन आर्मी के लोग हैं, पुलिस है, सबको वो मार रहे पीट रहे हैं, और कोई को किसी को काम नहीं करने दे रहे। जो आतंकवादी आ गए उसके साथ, गधा आ गया, शैतान बच्चा आ गया, सारा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तब ये व्याधि सब जगह हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं आमवाद, ऐसा बोलते हैं। उसी तरह से बोल रहे हैं युगपत कुपितांत वातस्त्री त्रिक संधि प्रवेशिको। अब ये वायु जो है ये प्रकुपित हुआ है तो त्रिक संधि में मतलब जो सैक्रो इलियक ज्वाइंट है वहां जाके प्रवेशित कर देता है। स्तब्धम च कुरुते गात्रम आमवातः स उच्यते, मतलब ये फिर क्या करता है स्टिफनेस लाता है ज्वाइंट्स में, वहां पर खासकर कहां लाता है तो सैक्रो इलियक ज्वाइंट में जाके सैक्रो इलियटिस जैसे कंडीशन कर देता है और पूरी तरह से स्तब्ध कर देता है और पूरा शरीर को स्टिफ कर देता है, और इसको आमवात ऐसे बोलते हैं। तो जो मैं पेशेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ ना, वो लड़की को भी ऐसे ही हो गया था कि उसका पूरा पीठ पीठ जो था लकड़ी का, जैसे ये मेरा दरवाजा है इस तरह से, वो दरवाजा की तरफ पूरी तरह से स्टिफ हो गया था, ना वो आगे मुड़ पाती थी, ना पीछे मुड़ पाती थी, ना ऐसे हिल पाती थी, ना ऐसे थोड़ा भी हिला दिया तो रोती थी। मैं उस टाइम पे बीएमएस में था, मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मैं थर्ड ईयर में था, तो मैं हमेशा देखता था कि सर के क्लिनिक में आइए, और हमेशा उसको रिक्शा से चार लोग उठा के ले आ रहे हैं व्हील चेयर पे, और वो बैठी थी कोने में ऐसे बैठी ऐसे रहती थी,
थोड़ा भी हिली तो पेन, रोती थी चिल्लाती थी, इतना दर्द हो रहा है, पेन किलर खाने के बाद भी। क्यों? क्योंकि उसका पूरा पीठ जो था पूरी तरह से जकड़ गया था, उसका जॉइंट भी देखे तो एकदम हार्ड हो गया था, ऐसे भी मोड़ नहीं पाती थी, ऐसे भी नहीं कर पाती थी। तो ऐसा मैंने कंडीशन देखा है, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो गया था उसका। अब इसमें हेतु सेवन होता है, हेतु सेवन में विरुद्ध अन्न। अब विरुद्ध अन्न में हम लोग अध्यक्ष, विरुद्ध अन्न भी और खाने का टाइम भी विरुद्ध है सब। जैसे अध्यक्षण किया जा रहा है, अन्नशन किया जा रहा है, विषमाशन किया जा रहा है, फिर ये जो है रस शेषा जीर्ण वगैरह जो संप्राप्ति हो रही है, मतलब अजीर्ण हो रहा है बहुत ज्यादा, आमा जीर्ण हो रहा है, फिर विदग्धा जीर्ण हो रहा है, विष्टब्धा जीर्ण हो रहा है, जो तीन मधुर तीन अवस्था पाके वह सब विकृत हो रहा है। अजीर्ण इतना ज्यादा है और तब भी खाना खाया जा रहा है, अजीर्ण रस शेषा जीर्ण की अवस्था में भी खाना खाया जा रहा है। तो अगर ये जो पहला जो है, एक मिनट, अग्नि मंद होने के कफ के कफ अगर मंद हो गया है बहुत ज्यादा, कफ दोष के वजह से आमा जीर्ण हो जाता है, ये आप लोग को पता है, आम उत्पत्ति होने लगती है। और फिर पित्त अगर दूषित हो गया है तो फिर इसमें विदग्धा जीर्ण होता है। अगर कफ प्रकोपित हो गया है और कफ का सॉरी वायु का कार्य अच्छे से नहीं बन, मतलब तृतीय अवस्था पर कटो अवस्था पर विकृत हो गया है तो विष्टब्धा जीर्ण होता है। तो मतलब कफ पित्त और वायु तीनों दूषित हो गए हैं और जो आहार रस बन रहे हैं वो भी विकृत हो रहे हैं। अजीर्ण अजीर्ण अर्जीर्ण सब मतलब सब बेकार बेकार आहार रस बन रहा है, सार किट विभाजन अच्छे से नहीं हो रहा है। तो इसलिए विकृत कफ है, विकृत पित्त है, विकृत वायु है, ये तीनों विकृत विकृत हैं। अब ये तो एक हेतु हो गया और साथ में इन्होंने बोला है कि व्यायाम करना, स्निग्ध पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, अग्निमंद है, पूरा अजीर्ण है, आमाजीर्ण है, विदग्धा जीर्ण है, विष्टब्धा जीर्ण है, और उसके बाद भी व्यायाम किया जा रहा है। तो व्यायाम करना, व्यायाम करने का भी एक नियम रहता है कि व्यायाम कब करना है। हम लोग खाना खा के स्निग्ध पदार्थ खा के तुरंत व्यायाम करेंगे, अग्नि को टाइम ही नहीं दे रहे हैं कि वो पचाने का काम करे। कभी भी खाना खाने के बाद तुरंत व्यायाम नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र बताते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद व्यायाम करना चाहिए। खाना खा के तुरंत व्यायाम करेंगे तो अग्नि जो जा रही है पूरा ब्लड सर्कुलेशन वहां पे लगना चाहिए, वो जाके शाखागत हो जाती है और उसके वजह से वायु का चल गुण से प्रकोप हो जाता है। वायु क्योंकि हम इतना एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा जिम में जाएंगे तो चल गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा वायु का, शैतान बच्चे ज्यादा पैदा होने लगेंगे। यह शैतान बच्चों को उत्पत्ति का कारण है कि व्यायाम करना। उसी तरह से जो लोग स्निग्ध अन्न पान का सेवन करते हैं उनके शरीर में आम की उत्पत्ति होती है, पिच्छिल गुण जो है चिपचिपा चिपचिपापन यह ज्यादा बढ़ जाता है, आम उत्पत्ति होती है, एक तरह से गधा तैयार होते हैं बहुत सारे, एक शैतान बच्चे तैयार हो रहे हैं और एक गधे तैयार हो रहे हैं। अब ये दोनों जब मिल जाते हैं, गधे और शैतान बच्चे, दोनों का साथ इतना अच्छा रहता है कि शैतान बच्चों का तो बुद्धि अच्छा नहीं होगा, वो शैतानी करेंगे तो वो, लेकिन वो शैतान है, और गधा जो है वो सीधा है लेकिन मतिमंद है, थोड़ा कम है वो सोचने में समझने में। ये दोनों सब मिल जाएंगे तो सामवायु की निर्मिति होगी, जब दोनों रहेंगे शैतान बच्चे और गधा तो सामवायु की निर्मिति होगी। अब फिर ये शैतान बच्चे शांत नहीं रहेंगे, वो गधे को टेल टेल के धक्का मार मार के आगे बढ़ाएंगे, मतलब आम को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब ये बढ़ाएंगे तो धमनी द्वारा पूरे शरीर में संचार हो जाएगा, उसकी वजह से आम और दूषित होगा, यहां से भी गंदगी आ रही है, यहां से भी गधे और शैतान बच्चे आ रहे हैं, वहां से भी आ रहे हैं, यहां से भी आ रहे हैं, वहां से भी आ रहे हैं। इसकी वजह से आम जो है उसको अति पिच्छिलता, अलग अलग कलर प्राप्त होने लगते हैं, अलग अलग रंग प्राप्त होने लगते हैं और स्रोतसों में क्लेद उत्पन्न होने लगता है। क्योंकि शैतानी बच्चा कर रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे कि पानी का जो टेप है वो खोल देंगे, फिर गटर का ढक्कन खोल देंगे, मतलब क्लेद क्लेद बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा क्योंकि शैतान बच्चे हैं। गधा बोलेगा कि मैं मेरे को क्यों ला दिया, वो सोच रहा है कि मुझे क्यों लाया, लेकिन वह गधे को सामने करके स्रोतस को अवरोध करके और फिर वो क्लेद क्लेद को उत्पन्न करें। इसी तरह से श्लेष्म स्थान पे ये गधा मतलब आम जो है उसको और शैतान बच्चे जाके उपद्रव उत्पन्न करने लगते हैं। तो आमाशय हो गया वो श्लेष्म स्थान है, क्लेदक कफ का स्थान है, संधिया है वह श्लेषक कफ का स्थान है, फिर सिर है तर्पक कफ का स्थान है, उर है और कंठ है ये सब अवलंबक कफ का स्थान है, हृदय जो है वह रसव स्त्रोतस का मूल स्थान है, तो इसको दूषित करेंगे। विशेषतः विशेष रूप से संधि और तृक प्रदेश में ये दुष्टि ज्यादा होने लगती है और हृदय में दूषित होने लगता है। आम संचित इतना ज्यादा होती है कि हृदय गौरव और हृदय दौर्बल्यता ये कंडीशन आने लगती है, मतलब हृदय में ऐसा लगता हैवी हैवी कुछ तो अटका है, हृदय में पेन होने लगता है। ये एंजाइना का पेन नहीं है, ये आम की वजह से है, रस व स्त्रोतस की दुष्टि की वजह से है। दुर्बलता आने लगती है, हृदय का पंपिंग एक्शन, क्योंकि रास्ता पूरा ब्लॉकेजेस
होने लगते हैं। इसी को एलोपैथी में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, प्लेक फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन, आर्टरीज का ब्लॉकेज होना, कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉकेज होना, ये सब एलोपैथी साइंस ने अपने नोमेनक्लेचर दिए हैं। आयुर्वेद बोलता है कि हृदय में आम जाके संचिति हो रही है, ये आयुर्वेद बोलता है। और दोनों एलोपैथी साइंस भी ठीक है, आयुर्वेद भी ठीक है, लेकिन एलोपैथी में अग्नि का कॉन्सेप्ट नहीं है, आयुर्वेद में अग्नि का कॉन्सेप्ट है और आम ये कॉन्सेप्ट है आम दोष। इसी तरह से अंग गौरव होने लगता है, वो पूरे शरीर में आम फैलेगा, हृदय से पंप होके पूरे, तो अंग गौरव होगा, पूरा बॉडी हैवी हैवी लगने लगेगा। इसी तरह से चल गुण जो है, जो शैतान बच्चा है, वो आम को मतलब गधे को धक्का मार रहा है बहुत ज्यादा, इसकी वजह से पूरे बॉडी में वो फैलने लगता है और सभी संधियों में जाकर बहुत ज्यादा ऐसे संचारी वेदना होने लगती है, बहुत ज्यादा ऐसे रेडिएटिंग पेन होने लगता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इतना सिवियर पेन होता है जैसे बिच्छू ने काट दिया है, इस तरह से वेदना होने लगती है। अब तब ये व्याधि को हम आमवात बोलते हैं। आपके पास जब भी पेशेंट आए तो आपको पहले ये देखना है कि छोटी संधियों में है कि बड़ी संधियों में है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए। अगर छोटी संधियों में है और वहां पर पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया है और दाहा पाक लालिमा ये सब है, तो वह वातरक्त होगा, जैसे पैर की छोटी उंगलियों में रेडनेस आ गया, बहुत ज्यादा ब्लैकिशनेस आ गया, छोटी छोटी हाथ की उंगलियों में आ गया, तो वहां पर वातरक्त होता है, वह गाउटी अर्थराइटिस होता है। अगर ये बड़ी बड़ी संधियों में हो रहा है, और दूसरा प्रत्यात्म लक्षण क्या है कि वह छोटी संधियों में कंटिन्यू रहता है, कौन, गाउटी अर्थराइटिस या वातरक्त, ये आम बात है, क्योंकि आम बात है शैतान बच्चा और गधा है, ये कभी शांत नहीं बैठने वाले हैं, ये शैतान बच्चा और गधा है ना, ये घूमते रहते हैं, मतलब शैतानी करते रहेंगे, तो कभी ये जॉइंट में होगा, हिप जॉइंट में, राइट साइड में होगा, कभी लेफ्ट साइड में होगा, कभी नी जॉइंट में होगा, कभी लेफ्ट नी में होगा, कभी बैक में होगा, मतलब ये डेली उनका संचारित्व रहता है। तब हमें समझ आता है कि आम होता है और ज्यादातर बड़ी संधियों में होता है, बड़ी संधियों को पहले ये कैप्चर करते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद है, तालिबान ने जब अफगानिस्तान पे कब्जा किया तो सबसे पहले मेन मेन सिटी को उन्होंने कैप्चर किया, और उसके बाद में काबुल में करके फिर झंडा लहरा दिया कि हाँ अब हमारा प्रभुत्व है, हमारी सत्ता है। तो ये जो आम बात है ना, बड़ी बड़ी संधियों को, क्योंकि बड़ी बड़ी संधियों में ही तो मूवमेंट वगैरह हो रहा है, तो बड़ी संधियों को पहले करेगा, बाद में छोटी संधियों में वो जाएगा, प्रवेशित होगा, और इस तरह से आम बात हो जाता है। सुश्रुताचार्य जी या चरकाचार्य जी ये बोलते हैं कि ये मध्यम मार्ग का व्याधि है, मर्मास्थि संधियों पे इसका अटैक होता है सबसे पहले, तो इसीलिए ये आमवात व्याधि को मर्मास्थि संधि। उसी तरह से आम शब्द का निरुक्ति माधव निदान में बहुत बढ़िया बताया कि आम मतलब क्या है, एक तरह से टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन होता है, मैंने गधे से एक्सप्लेन किया, लेकिन एक तरह से आम विष होता है। इसके बारे में बताया कि अविपक्वम, जो पचा हुआ नहीं है, असंयुक्तम, वो उसके जो बॉन्डिंग है एक दूसरे से, मतलब एक एक मॉलिक्यूल से वो भी जुड़े हुए नहीं है, वो भी एक दूसरे से अलग अलग है, असंयुक्तम, दुर्गंधम बहु पिच्छलम, बहुत ज्यादा दुर्गंधी युक्त रहता है, बहुत ज्यादा पिच्छलता युक्त रहता है, बहुत ज्यादा चिपचिपा चिपचिपापन रहता है, जिस तरह से कीचड़ होता है, कीचड़ में आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कीचड़ में मिट्टी और पानी मिलके कितना ज्यादा लेसदार रहता है वो, बहुत ज्यादा। इसी तरह से आम है वो लेसदार है, आपने ऐसा सोचिए कि रोटी है वो सड़ गया है बहुत दिन तक, और पानी में आपने रखा बाहर और बहुत दिन से रखा है और सड़ गया है बहुत ज्यादा, जैसे आप खोलेंगे और हाथ लगाएंगे तो वो जब निकालेंगे सड़ा हुआ रोटी जो गल गया है उसको निकालेंगे, एक तो आपको हाथ लगाने का मन नहीं करेगा, गंदा बदबूदार होगा, जैसे आप निकालने का कोशिश करेंगे वो ऐसे टपकेगा और बहुत ज्यादा चिपचिपा होगा। ऐसे ही आम है, बहुत ज्यादा लेसदार है, दुर्गंधित है, रोटी वाला आप लोग सोचिए कि बहुत दिन का बासी रोटी में पानी डाल के और रख दिया है, बाहर रख दिया है। एक अभी ऐसे कभी कभी होता होगा, आप लोगों को ट्रेवलिंग करना होता है और रोटी किसी चीज में आप लोग रख के और चले जाते हैं, 1 महीने बाद आते हैं और रोटी वैसे का वैसा ही है, तो उसमें फंगस भी लग जाता है, सड़ भी जाता है, और वो जब खोल के देखते हैं बहुत ज्यादा दुर्गंधी आती है। सेम ऐसे ही आम का भी है, अग्नि के मंद होने से ऐसा कंडीशन आ जाती है। फिर सदनम सर्व गात्राणम, अब ये आम जाएगा पूरे शरीर में तो क्या करेगा, पूरे बॉडी में स्टिफनेस लाने लगेगा, पूरे बॉडी का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन, उसको रोक देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आम इत्यभिधीयते, इसलिए इसको आम बोलते हैं। अब ये जो रहता है आमवात, संधियों की विकृति रहती है, संधियों में सारा डिफॉर्मिटी होने लगता है, बड़े संधियों में होने लगता है, फिर मणिबंध संधि मतलब रिस्ट ज्वाइंट, फिर कर्पूर संधि एल्बो ज्वाइंट, अंश संधि यहाँ जो रहता है मतलब क्लेविकुलर जो ज्वाइंट्स रहते हैं वो संधि, फिर गुल्फ संधि, फिर उसके बाद में जानु संधि, वंक्षण संधि,
त्रिक संधि, इसमें ये ज्यादा पाया जाता है, मतलब वहां। और एलोपैथी साइंस बोलता है कि यहाँ पे इंफ्लेमेटरी चेंजेस आ रहे हैं और ज्वाइंट्स को वो डैमेज कर रहे हैं और इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, ऐसा एलोपैथी साइंस मान रहा है। मतलब वो संधियों का जो वहां पे जो अंदर सैनुअल फ्लूइड होता है, जो भी वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, पूरी तरह से डैमेज होने लगते हैं और वो इरिवर्सिबल होते हैं, पूरी तरह से रिकवर नहीं होते। वो लोग स्टेरॉइड्स देंगे, उसको रोकने का कोशिश करते हैं, पेन किलर देंगे, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देंगे, सूजन कम करने का दवाई देंगे, फीवर को कम करने का दवाई देंगे, वो लोग देंगे, लेकिन उनका अग्नि का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए वो लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और आयुर्वेद जो है वह पूरी तरह से अग्नि पे डिपेंडेंट है, मतलब इसीलिए हम लोग काय चिकित्सा पढ़ते हैं, काय की अग्नि, इसकी चिकित्सा मतलब काय चिकित्सा। तो आयुर्वेद जो है हम लोग अग्नि को बढ़ाते हैं, स्त्रोतस को शुद्ध करते हैं, लंघन कराते हैं, और हम लोग एक पंचमहाभूत थेरी भी जानते हैं, जिसमें आकाश महा, क्योंकि इसमें पार्थिवता और जलीयता बहुत ज्यादा बढ़ गया है विकृत रूप से, और सारे ज्वाइंट्स में जाके वो विकृत पार्थिवता और जलीयता है, तो हम लोग को आकाश तत्व निर्माण करना है, इसलिए हम लोग लंघन कराते हैं, तेज महाभूत को बढ़ाते हैं कि वह सारे विकृत जो है क्लेद इन सबको पचाए, आम को पचाए। ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। और जब हम इस तरह से देखते हैं ये व्याधि को, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को, आमवाद को, तो हम लोग को सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे तभी पेशेंट ठीक होंगे। अब मैं आमवाद पे, क्योंकि अभी टाइम हो गया, मैंने जो बताने का कोशिश किया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आमवाद, इसका हम लोग कल और अच्छे से करेंगे। आप लोग को कोई भी डिफिकल्टी आ रही है जो मैं बता रहा हूँ, मेरी भाषा समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग मुझे बताइए, मैं इस पे और चर्चा करूँगा। और जो ये वायु रहती है इसको बोलते हैं उपस्तंभित वायु, जब हाँ, तो उपस्तंभित वायु का मतलब उपस्तंभ कर रही है, आम युक्त वायु है, साम वायु है, इसलिए इसको आम साम वायु से उत्पन्न हुआ आमवत व्याधि बोलते हैं। जब यह अग्नि हम पचा देते, अग्नि को बढ़ा देते हैं, आम का पचन कर देते हैं, निरामावस्था आ जाती है, स्त्रोतस खुल जाते हैं, तब भी अगर ज्वाइंट पेन वगैरह हो रहा है तो वह होता है निरुपस्तंभित वायु, क्योंकि वहां पर, क्योंकि ज्वाइंट्स में संधिवात जैसे, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे कंडीशन होते हैं, उसमें वायु, शुद्ध वायु का प्रकोप रहता है और डिजेनरेटिव चेंजेस रहते हैं, तब वह निरुपस्तंभित वायु रहते हैं। यहाँ पर कैसे है, उपस्तंभित वायु, वायु जो है आम युक्त है और सब जगह स्टिफनेस ला रही है, स्त्रोतसों को ब्लॉक कर रही है, मतलब संघ जैसे अति प्रवृत्ति संगो व शिराणम ग्रंथो पीवा विमार गमनम चापी, यहाँ पे विमार गमन भी हो रहा है, श्लेष्मा कफ है वह विमार गमित हो रहा है, और दूसरा संघ ऐसा संप्राप्ति हो रहा है। ये आयुर्वेद का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कल हम लोग इस पे और चर्चा करेंगे। आप लोग के जो भी प्रश्न है वो आप लोग कृपया लिखे और मुझसे पूछे प्रश्न, आप लोग को क्या नहीं समझ आ रहा है, हम चिकित्सा भी करेंगे, चिकित्सा तो इतना बढ़िया आयुर्वेद के श्रेष्ठ चिकित्सक ही कर सकते हैं, जो कोई नहीं कर सकता है पूरी दुनिया में, जितने भी पैथीज हैं आज के मेडिकल साइंस की, जितने भी पैथीज है उसमें आमवात, रूमेटाइड अर्थराइटिस, ये केवल आयुर्वेद के ही, मतलब गॉड गिफ्टेड ये जो आयुर्वेद साइंस है, यही हम लोग ठीक कर, मतलब यही पैथी के डॉक्टर्स अगर इसको समझ जाते हैं तो हम लोग ही ठीक कर सकते हैं। यूनानी में उतना नहीं सफल होता है, होम्योपैथी में इसका इलाज नहीं है, फिर चाइनीज मेडिसिन में नहीं है, रशियन मेडिसिन में नहीं है, मंगोलियन मेडिसिन में नहीं है इसका इलाज, एलोपैथी साइंस में नहीं है, कोई भी साइंस में नहीं, केवल आयुर्वेद में ही इसका इलाज है। क्यों? क्योंकि हम लोग अग्नि का कॉन्सेप्ट मानते हैं, हम लोग स्त्रोतसों का कॉन्सेप्ट मानते हैं। तो हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे कल, और इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग भी चर्चा में आ सकते हैं और आप बता सकते हैं, इंटरेक्टिव सेशन पे हम इस पे और चर्चा करेंगे। तो मैं अभी पहले आप लोग के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और आप लोग ना बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब इतने अच्छे प्यारे लोग हैं कि क्या बताएंगे। हाँ, डॉक्टर मुकेश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर बिंदेश शास्त्री जी बोल रहे हैं सो मच इंटरप्शन इन लाइव वीडियो, आपकी बात सही है, यहाँ नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हो रहा है। डॉक्टर गौतम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है और ये हैंग भी हो रहा है। डॉक्टर आदित्य ओझा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजना मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर योग्या यादव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर गरिमा गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग के गायनेक प्रैक्टिस में भी पेशेंट आते होंगे जिनका आमवात इतना ज़्यादा बढ़ता है कि वह मेंसेस को रोक देता है, एमेन्यूरिया की कंडीशन आती है, तो ये आमवात जनित ही व्याधियाँ रहती हैं, कभी कभी इनफर्टिलिटी भी कर देता है ये, जहाँ पर भी ये शैतान बच्चे जाएंगे, शैतान बच्चे, आतंकवादी, और फिर ये जो गधा,
ये जो आम है ये जाएगा तो वहां पे उपद्रव ही करेगा, वो स्रोतों को ब्लॉक करेंगे, स्रोतोरोध करेंगे और तकलीफ देंगे। डॉक्टर नितिन जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं, नितिन नानगुरकर जी, नांगनुरकर जी बोल रहे हैं कि सर पेशेंट में अग्निमान दूर करने के बाद 15-20 डेज के बाद फिर से अग्निमंद होता है, इसमें धातु अग्निमंद होने के कारण ऐसा होता है क्या, इसमें क्या दें? देखिए आपने जठराग्निमंद पे इलाज किया लेकिन पेशेंट का हेतु सेवन वही रहा, दीवा स्वप रहा, खाना खा के सो जा रहा है, वेगों का अवरोध कर रहा है, तो उसमें जठराग्नि मानदेय ही है, ये धातु अग्नि मानदेय वाली व्याधि नहीं है। अगर आमवात है तो ये जठराग्नि मंद की व्याधि है। अगर धातु अग्नि मंद तक अगर जाएगा तब तो फिर वो रसगत व्याधि, रक्तगत व्याधि, बड़ी बड़ी व्याधियां करेगा। आमवात मेन व्याधि है तो जठराग्नि मानदेय से और रसवा स्रोत को दुष्ट करके होती है। आपका चिकित्सा जो है वह धातु अग्नि मानदेय तक तो मतलब वहां उतना लेवल तक आप अभी मत सोचे, पहले जठराग्नि को अच्छा करने का सोचे। धातु अग्नि मान जरूर होगा, अगर एक अग्नि दूषित है वो कम हो रही है तो दूसरी अग्नि पे भी इफेक्ट आएगा, सार किट विभाजन जो रहे रस रक्त मांस में दस्थी वहां पर भी होगा, लेकिन हम लोग पहले जठराग्नि पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जठराग्नि को अच्छा करेंगे तो अपने आप धातु अग्निमान भूताग्निमान दे वो भी ठीक हो जाता है जी। डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शिल्पी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सुधा शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राजकुमार सोनी जी बोल रहे हैं कि कृपया ऑनलाइन टेलीफोनिक परामर्श हेतु व्हाट्सएप नंबर बताइए, मैं आपको अभी बताऊंगा, सॉरी सोनी जी आपको अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ लिख दूंगा अपना नंबर। डॉक्टर विमला जी आप मुझे किसी को मेरे से बात करना है तो सुबह 8 से 11 के बीच में कॉल करिए प्लीज़, क्योंकि बाद में मेरे पेशेंट रहते हैं, सुबह का टाइम में ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर विश्वनाथ जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विमला खत्री जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अरुण जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शिवजीत राज शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विन्यासा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर हरकिरण जी ये बोल रहे हैं कि सर बैक पेन इन लेडीज आफ्टर सिजेरियन ट्रीटमेंट, सिजेरियन सेक्शन जब होता है ना सर तो उस टाइम पे जो L3 L4 में एक बड़ा सा इंजेक्शन देते हैं जिसको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं, या फिर कोई भी एनेस्थीसिया तो दिया जाता है सिजेरियन में, यहाँ से दें या पीछे से दें, वह जो सुई चुभ होना ये एक तरह से आघात किया जाता है, जो नॉर्मल जो भगवान ने दिया है उसमें आघात किया जाता है, तो एयर मॉलिक्यूल्स भी घुस जाते हैं और उसके वजह से वो एयर मॉलिक्यूल्स, एक शैतान बच्चा घुसा तो वो शैतान बच्चे अकेले नहीं रहेगा, जिस तरह से चूहे रहते हैं एक चूहा गया तो सारे चूहों को लेके आता है, सब आओ 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 हम लोग यहाँ मस्ती करेंगे, यहाँ शैतानी करेंगे, इसी तरह से एक एक एयर मॉलिक्यूल गया तो वो और वहां लाके फिर बैक पेन शुरू करता है, तो इसमें हम चिकित्सा करते हैं तो हम लोग वायु की चिकित्सा करते हैं, बस्ती देना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है, मात्रा बस्ती देते हैं, सहस्रादि तेल का या शीरबला तेल का दीपन पाचन देते हैं, रसायन चिकित्सा देते हैं और स्नेहपान जैसे फलघृत वगैरह करते हैं तो बैक पेन में पूरी तरह से, या कटी बस्ती करते हैं तो बहुत बढ़िया काम होता है। ये बैक पेन हो रहा है सीजरियन सेक्शन से, तो ये सोचिए कि सीजरियन सेक्शन वहां पे शैतान बच्चों को घुसाने की एक प्रक्रिया है, वहां से बच्चे घुस जा रहे हैं तो ये होता है। डॉक्टर विनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर खुराना जी, गौरव खुराना जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं कि मेरे पेशेंट 2 मंथ मेडिसिन से आर ए पॉजिटिव से निगेटिव आ गए पर धातु क्षय अग्निमंद्या परिषेक नाइटफॉल वीकनेस सिम्टम थे, फर्दर 2 मिनट चिकित्सा से लाभ हुआ पर फिर कंडीशन डाउन हुए लग रहा है, पथ्य पालन बताए, नो मेडिसिन ट्रीटमेंट ऑन गोइंग। इसमें आपको रसायन चिकित्सा और अपुनर्भव चिकित्सा और दिनचर्या रात्रिचर्या इन सबको और अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, और पेशेंट आम मत के पेशेंट ये मत सोचिए कि आपने ट्रीटमेंट दिया पेशेंट ठीक हो गया, पेशेंट को 5 साल 6 साल 10 साल ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, हर बार उसको बोलना चाहिए कि आप कम से कम मुझसे मिलने आओ, आपका क्या कंडीशन है वो बताओ आप, क्योंकि पेशेंट ना मिथ्या आहार विहार करेगा, अगर मनुष्य गलती नहीं करेगा तो वो मनुष्य क्यों है, भगवान नहीं बन जाएगा, पेशेंट करेगा वो गारंटी है और वो फिर से बीमार पड़ता है, तो इसलिए वो डॉक्टर के पास कम से कम काउंसलिंग के लिए आए और फिर आप उनको देखिए कि क्या मिथ्या आहार विहार हो रहा है ये, क्योंकि डॉक्टर ही अच्छे से निकाल सकते हैं हेतु क्या है संप्राप्ति क्या है, तो डॉक्टर की जरूरत होती है, डॉक्टर से कभी भी दुश्मनी नहीं करना है, उनको बता दीजिए डॉक्टर से दोस्ती रखना है हर समय। डॉक्टर अनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सरिता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर टिंकल यादव जी बोल रहे हैं कि आमवात संधिवात के रोगियों को कैसे पहचाने, आमवात के पेशेंट है उसमें स्वेलिंग रहता है, बड़े बड़े ज्वाइंट्स में स्वेलिंग रहता है, संधिवात के पेशेंट में स्वेलिंग नहीं रहता है,
मतलब अगर जैसे मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, संधिवात हुआ रिस्ट जॉइंट में, तो मेरा जो ऐसे कट कट आवाज आएगा लेकिन उतना सूजन नहीं रहेगा। आमवात में होगा तो मेरा लॉक हो जाएगा पूरा, मेरा ये मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा और पूरा सूजा हुआ रहेगा। फिर दूसरे दिन क्या होगा, मेरे यहाँ पे एल्बो जॉइंट में जाएगा, रिस्ट जॉइंट से एल्बो जॉइंट में ये लॉक हो जाएगा, फिर उसके बाद में शोल्डर जॉइंट में जाएगा। ये शिफ्ट हो रहा है डेली डेली, पेन और स्वेलिंग शिफ्ट हो रहा है। संधिवात में ऐसा नहीं होता, संधिवात में अगर जॉइंट पेन हो रहा है तो हो रहा है, कंटिन्यू रह रहा है। और वातरक्त में होता है कि रेडनेस आया, लेकिन वो वातरक्त छोटी उंगलियों में रहता है, वो उसमें मुषिक दंशवत वेदना, जिस तरह से चूहे ने काटा, आप लोगों तो चूहे ने नहीं काटा, छुछुंदर ने नहीं काटा, पहले के जमाने में छुछुंदर चूहे काटते थे तो जो वेदना होती थी वो पेशेंट बोलते थे, तो मुषिक दंशवत वेदना होती है, रेडनेस होता है और बहुत ज्यादा बर्निंग होता है जॉइंट्स में, और वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे खोलना बंद करना मुश्किल होता है। यहाँ पे बड़े बड़े जॉइंट्स में होता है और शिफ्टिंग पेन होता है। इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब ये मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, पेशेंट देखेंगे तब आप लोग को और अच्छे से समझ आए, और आयुर्वेद बहुत इंटरेस्टिंग है, बस हमें ये चीज समझ आना चाहिए। समझ गए ना तो इतना इंटरेस्ट आता है ना, जो आयुर्वेद कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, कोई पैथी आमवाद के पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते, केवल आयुर्वेद ही कर सकता है। डॉक्टर अनिल कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अशोक कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अनिल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर ब्रजेश जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर उजमा सिद्दीकी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर काली प्रसाद जी बोल रहे हैं कि थैंक्स फॉर नाइस प्रेजेंटेशन ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आमवाद, थैंक यू। अभी हम इस पर कल और बात करेंगे और बहुत मजा आएगा कल। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शरद जी बोल रहे हैं नमस्ते सर फ्रॉम नेपाल, आपको नमस्ते, आप नेपाल के हैं, नेपाल असल में भारत का ही पूरा देश था लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उसको अलग किया, लेकिन नेपाल और भारत एक ही है असल में जी। डॉक्टर अवंतिका सिंह जी बोल रही हैं, बिहार की डॉक्टर बोल रही हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण व्याधि है ये। हाँ ये ना एक शेर की तरह है, शेर जो रहते हैं उसको काबू पाना बहुत मुश्किल होता है, इसी तरह से आमवात जो है बहुत मुश्किल है, ये बहुत व्याधि बहुत डेंजरस रहती है, लेकिन इसकी चिकित्सा किया जाए तो ठीक भी हो जाता है। ये जो आयुष दर्पण टीम की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जा रहा है, तो आप लोग गूगल फॉर्म भरिए, वहाँ पे नोट्स वगैरह दिया जाता है। और दूसरा बात है कि आप लोग ना बहुत अच्छे वैद्य लोग हैं, आप हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ आइए, हम लोग बात करें, हम लोग और आगे बढ़ें, हमारे सारे पेशेंट ठीक हों। डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी बोल रहे हैं आमवाद में रसायन चिकित्सा, आमवाद में रसायन चिकित्सा श्रेष्ठ है, तो पिप्पल आदि रसायन, वर्षबान पिपली रसायन, 64 पिपली रसायन, ऐंद्र रसायन, भल्लातक रसायन, अलग अलग रसायन होता है प्रकृति देख के, शिलाजित रसायन, त्रिफला रसायन, लौह रसायन, बहुत सारे रसायन होते हैं, लेकिन हम लोग प्रकृति देख के और पेशेंट का अफोर्डेबिलिटी देख के वो हम लोग डिसाइड करते हैं। बहुत मजा आता है, आमवाद के पेशेंट ठीक करना केवल आयुर्वेद वाले ही कर सकते हैं, मैं गारंटी से बोलता हूँ, एलोपैथी में आमवाद का इलाज ही नहीं है, वो लोग केवल स्टेरॉयड देंगे, फिजियोथेरेपी देंगे, पेन किलर देंगे, लेकिन ठीक नहीं कर पाएंगे। आयुर्वेद आमवाद को ठीक भी करता है और आगे आने वाली पीढ़ी में भी आमवाद को रोक देता है, आयुर्वेद पूरी तरह से इसमें परफेक्ट है। आप और आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, बस आप लोग समझिए, जो चीज आपको नहीं समझ आ रहा है आप यहाँ आइए और बताइए कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा है, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, मैं जरूर आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा। अब मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग को मेरे से बात करना है या फिर गूगल फॉर्म लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का, तो मुझे संपर्क करें और सुबह 8 से 11 बजे के ही बीच में फ़ोन करिए, बाकी टाइम पे मुझे मत परेशान करिए आप लोग, क्योंकि खुद समझदार हैं, मेरे भी पेशेंट हैं, मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी खाने पीने का टाइम रहता है, तो दूसरे टाइम पे ना करें, और आप लोग के साथ में हूँ, आप लोग ये मत सोचिए कि कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई वो नहीं है, मैं आप लोग के साथ में हूँ, आप लोग पूछिए, आप लोग को कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा मैं आप लोग को बता, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिशनर हूँ, मैं एकेडमिक में नहीं, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं आप लोग को पेशेंट दिखा भी सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ मुझ में, और आप लोग को सीखना है तो आप लोग मेरे पास आके सीख भी सकते हैं। अब देखिए मैंने पासवर्ड दे दिया और अपना ये दे दिया, अपना नंबर दे दिया है, अब मैं मुझे थोड़ी देर जाने दीजिए, फिर हम लोग 8:15 बजे मिलते हैं, इंटरेक्टिव सेशन जूम पे होगा, उसमें आप सब लोग आइए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रणाम सभी लोग को, नमस्ते।